मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार के 8 अभूतपूर्व वर्ष आज पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो प्रमुख जो कार्य सरकार ने किए हैं, यद्यपि अगर हम सारे कामों की लिस्टिंग करते तो कई वॉल्यूम्स की किताब बन जाती, लेकिन जो प्रमुख जो उपलब्धियां और जो प्रमुख जो हमारे कार्य रहे हैं उनको संकलित किया है एक पुस्तिका के माध्यम से। तो इस पुस्तिका के लोकार्पण और अनावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ ही उन्होंने अपनी सरकार द्वारा की गई उन योजनाओं का जिक्र किया जो उन्होंने धरातल पर लागू की, साथ ही भविष्यवर्ती योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए आगे लागू करनी है। और 8 साल के पूरे लेखे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने मुखातिब हुए और अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें कही थी, भाषण दिया था, उसमें ये बातें कही हैं कि किसानों के हित के लिए काम किया जा रहा है, साथ ही युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है, बेरोजगारों का भी सरकार ने ध्यान रखा है और साथ ही निम्न आयु आय वर्ग के जो लोग हैं जिनकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम है उसका भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। उनके लिए भी एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जो 8,000 रुपये महीना कमाते हैं उनको 15,000 रुपये तक लेकर आया जाए। देखिए किया बहुत है हमने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि करने की इच्छा भी बहुत है, बाकी काम बहुत है, जैसा कहते ना स्काई इज द लिमिट, इसलिए आज भी हमें बहुत काम करना बाकी है। उसमें खास तौर पर सबसे पहले तो जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं इनको पूर्णता तक पहुंचाना, क्योंकि इनके भी जो रिजल्ट्स हैं अब आने शुरू हुए, हालांकि हमने 5 साल 6 साल पहले भी कुछ चीज़ें शुरू की लेकिन रिजल्ट्स थे अब आने शुरू हुए हैं, उनमें उनको सिरे चढ़ाने में या उनके ऊपर बारीकियां उनकी नीतिग्रिटीज को तय करने में समय बहुत लगता है। पहला तो ये कि सारी चीज़ें हमारी कंप्लीशन तक पहुँचे। उदाहरण के लिए अब रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब तक हम डिजिटलाइज करके और उसका खास करके सब लोगों में जो लिटिगेशन झगड़े हैं उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोर्ट्स के साथ जोड़ करके और उसको एक ऐसे लॉजिकल एंड तक न ले जाएं ताकि इसमें झगड़ा ही ना हो, तो ये बहुत बड़ा काम है, इस पर हम लगे हैं। इसमें सब गांव की जैसा मैंने बताया कि उसकी मैपिंग हो गई है, रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई हैं। अब लार्ज स्केल मैपिंग में 44,212 स्क्वेयर किलोमीटर इस एरिया को भी हमको सबका ओनरशिप तय करनी पड़ेगी कि ओनरशिप किसकी है। आज ओनरशिप के बिना झगड़े में जो थोड़ा दबंग है वही कब्जा करके बैठ जाता है, बाद में फिर दूसरा आदमी जाके एफआईआर करा देता है, वो झगड़े मचे रहते हैं। और लिटिगेशन में आज अगर कोर्ट्स का भी देखें, मैंने हाई कोर्ट का एक आंकड़ा लिया तो किसी एक विषय के सबसे ज़्यादा लिटिगेशन है तो लैंड्स के, हमारे रेवेन्यू के कोर्ट भरे पड़े हैं, सब भरे पड़े हैं, ये अपने में बड़ा काम है। इसी प्रकार ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया हमने, लेकिन शुरू करने के बाद इसका ऑटो अपडेशन तो बहुत बड़ा काम है। आज एक व्यक्ति की इनकम हमने लिख ली, पता कर लिया, सर्वे करा लिया कि इसकी 1.5 लाख रुपये इनकम। अब हम योजना बनाते हैं, सामने व्यक्ति भी अपनी योजना खुद बनाता है, उसने कहीं अपनी अच्छी इंडस्ट्री बना ली या कहीं प्राइवेट नौकरी में अच्छी जगह चला गया पढ़ लिख के या सरकारी नौकरी पा गया, तो अब जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक उसकी इनकम वही 1.5 लाख अटकी रहेगी। अब इसमें अपडेशन करना है कि सब चीज़ों को जोड़ा जाए, जोड़ करके और उसका अपडेशन अपने आप हो। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का आपस में जो एक लिंकेज बननी चाहिए, हमने हम पोर्टल शुरू तो किया लेकिन अभी उस पर काम करना बाकी है। थोड़ा लोग कहते हैं कि हम सारी जानकारी आपको क्यों दें, कैसे दें, अब थोड़ा उनको मनाना पड़ेगा कि भी आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं, एक डाटा अगर मिल जाएगा, आप अगर 10 आदमियों को वहाँ लगाते हैं तो 10 आदमियों का अपना डाटा में डाल दो, हमें पता लगे किसको लगाया है, आपकी और कोई ज़रूरत हो हमें बताओ। हमने HKRM बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसका जोड़ देंगे, हम आपको आदमी सप्लाई कर देंगे, हमारे पास तो डाटा सब है, उस डाटा को हम पहले चिन्हित करके रखते हैं कि किसको आवश्यकता है काम की, उस काम के लिए उसको उसके लिंक बनाते हैं कि प्राइवेट मिल सकता है कहीं, क्या रोजगार हो सकता है, क्या सरकारी में कौन जाएगा। अब सरकारी में अपने आप तो हमारे पास कोई अधिकार अब रहे नहीं है, हमने सारे अधिकार छोड़ दिए कि भाई अधिकार तो उसका अपना है, मेरिट ले ले, नौकरी ले जा।
वरना तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जितने काम हमारे पेंडिंग हैं, जैसे आपने कहा सफारी एक नया कार्यक्रम, नए कार्यक्रम के नाते से एक ग्लोबल सिटी है, हमें बड़ा काम है। जैसे कालका सेकलेसर हमने टूरिज्म के नाते से इसको विकसित करना है, हरियाणा में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। तो ऐसे कामों की कमी नहीं है, हर काम में गुंजाइश है। उसका कोई एक विषय मैं कहूँ कि ये हम करेंगे, हाँ एक बात ज़रूर, मैं कल से मीडिया के लोगों से मिल रहा हूँ, चंडीगढ़ में भी दो ग्रुप मुझे मिले, तो मैं उन्हीं को कहता हूँ बताइए भैया दो साल में हम क्या करें। इसलिए आप भी अगर कुछ बता सकें, सुबह भी एडिटर्स के साथ बता सकें कि ये काम बाकी बचा है, इसको और बेहतर करो। हम तो हर जगह से इनवाइट करते हैं, एक एक करके। एक मिनट कर रहे हैं, बैठे हैं, हर चीज का जवाब दे। बाबा है राम रहीम रेप और हत्या में दोषी है, जब जब चुनाव आता है पेरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरा रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है जो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हाँ इसको पेश करो जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम है, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है देनी है नहीं देनी है, इसमें कोई मतलब नहीं है। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ गणेश, एक एक आप ये करेंगे, टाइम है पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछेंगे, एक मिनट रुकिए, मैं सबको कर दूंगा। हाँ पूछिए पूछिए, कोई नहीं कुछ पूछिए। एक एक आपने अभी अभी पानी के बारे में बहुत कुछ बोला है, मतलब आपने आगे करेंगे, तो व्हाट आई एम आस्किंग यू, आठ चरण में आपने पानी का कहां तक पहुंचा है, कि दिल्ली आपके पास SOS भेज का है पानी के लिए? देखिए दिल्ली को हम डील कर रहे हैं, दिल्ली का जितना पानी हमको देना है उससे 250 क्यूसिक ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा दे रहे हैं केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए अदरवाइज उनके जितने शेयर थे उतना ही हमको देना चाहिए था, 750 क्यूसिक, आज हम 1090 क्यूसिक देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना इसलिए देते हैं। अदरवाइज उनकी जिम्मेदारी अब ये बनती है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब एक हो गया है, अगर दिल्ली को भी पानी कुछ एक्स्ट्रा सहानुभूति लोग देना है तो थोड़ी सहानुभूति वहाँ भी दिखा दें, अगर एक्सपायर का पानी हमें मिल जाए तो जितना मांगेंगे शायद उसे दो गुना ज्यादा ही दे देंगे। सर मैं इधर से लेता हूँ, आप प्लीज। इस साल काफी बार हमने देखा है बीजेपी लीडर, अभी हालांकि हाल में ही बीजेपी लीडर मैंने बता दिया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं। गणेश सर आपसे 1810 एकड़ के किसान 3-4 बार मिले हैं, उनकी समस्या कब तक सॉल्व हो सकती है? देखिए वो क्योंकि केस कोर्ट का केस है, और कोर्ट केस में निर्णय हो चुका है कि हाँ आपने जो अक्वायर किया था वो एक्वेशन ठीक है, उस एक्वेशन के हिसाब से आप इनका जो कब्जा है वो ले सकते हैं, लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। उनकी डिमांड है कि हमारी जमीन का पैसा कम लगाया गया है, अब क्योंकि वो 2010 में 11 में उस समय अक्वायर की गई थी, आज अगर अक्वायर की जाती तो शायद ज़्यादा पैसा मिलता, फिर भी हमने उनको कुछ ऑफर दी है कि इसमें से कितना सरकार अपने लिमिटेशन में रह करके कितना बढ़ा सकती है, तो उनको एक ऑफर दी है और मुझे लगता है उस ऑफर के हिसाब से वो मान जाएंगे और बात सिरे चढ़ जाएगी। शरण एक मिनट, शरण एक इधर एक इधर, एक एक करके कहीं नहीं जा रहे, चिंता मत करो, दो पूछो पूरा बैठे, डोंट वरी। अब क्या समय आ गया है 50 साल के बाद कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को अपना हिस्सा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के कॉलेजेस थे? मैं समझ गया, देखिए इसके लिए हमने, क्योंकि ये काम होम मिनिस्ट्री ने करना है, वो यूटी है, और यूटी इज डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमने पत्र लिखा है कि हमको वो अधिकार वापस दिलाया जाए। उन्होंने बीच बचाव करके और पंजाब सरकार से बात करनी शुरू की है, और पंजाब सरकार को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार का अपना एक एरिया है जो पंजाब, उसमें चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़, एक कन्फ्यूजन और भी है, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है वो चंडीगढ़ से बाहर है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब से, चंडीगढ़ से बाहर है,
धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी पर जितना उनका अधिकार है उतना हमारा भी है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत में आपस में सुलझ जाएगा। हमने हमने करके हाँ करके और भेजा। चलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक पीछे से ले लें, एक पीछे से ले लेते हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, प्लीज इधर इधर पीछे बोलो। एक सेकंड एक मिनट, इसके बाद आएंगे। सवाल ये है कि आप खुद दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया है करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, गांधी जी की, तो आज बड़ी चर्चा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए उनको अपने सीमाओं में रहकर के जो सुझाव देंगे वो तो अच्छे ही हैं, कई बार सीमाओं से आगे बढ़ के देना शुरू करते हैं, अब वो बात ना तो हमारे मतलब की है और ना हम उसमें कोई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जिन्हें रिस्पॉन्ड करना उन्होंने करना, मैं तो रिस्पॉन्ड करने का अधिकारी नहीं। बैठ के आप करते जाओ ना, बोलते जाओ, मैं बोलता जाओ। एक मिनट आप बोलिए। सर एक मेरा सवाल है, हमारे हरियाणा में 14 जिले जो हैं एनसीआर में आते हैं और अभी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक की हुई थी, हम लोग देखते हैं आपने कुछ दो जिले थे जिसमें ये आपने आरोप लगाए थे कि उसमें सही डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दो जिले को आपने और कितने जिले हैं ऐसे जो आपने दायरा किया था कि 100 किलोमीटर का दायरा एनसीआर में ना निकले, कभी एनजीटी आपको जुर्माना लगाती है, कभी डेवलपमेंट नहीं होता है, कभी उसके बाद ऐसे कितने जिले? देखिए ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि एक समय ऐसा चार्म था कि कितने जिले ज्यादा से ज्यादा एनसीआर में डलवा दिए जाए, तो पहले 7 जिले थे, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, फिर 14 हो गए, और हर जगह जो एनसीआर में जिला आता था वहाँ मिठाइयाँ बंटती थी। लेकिन एनसीआर में आने के बाद जब लोगों का अनुभव ये आया, लोगों के अनुभव में कि यहाँ लाभ कम है, परेशानी ज़्यादा है, तो फिर दूसरी डिमांड उठनी शुरू हो गई कि हमारे ज़िले को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से बाहर कराइए। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में उन्हीं जिलों के अंदर ही उनकी ओर से लाभ मिलता है। लाभ भी क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसका इंटरेस्ट जाता है, उतना पैसा हरियाणा जैसे स्टेट किसी से भी ले मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली का जो दबाव है आबादी का, दिल्ली में तो कोई एक्सपेंशन की जगह नहीं बची है, तो आसपास के जिलों में एक्सपेंशन जहाँ हो तो वहाँ एक जो प्लान्ड डेवलपमेंट हो, इसलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना है। अब प्लानिंग बोर्ड के नाते से कोई एनजीटी की और बाकी जो चीज़ें आनी शुरू हुई, हालांकि हरियाणा जो है अब वो पॉल्यूशन का जो विषय होता है जिसका एक आरोप लगाया जाता है उस पर बहुत कंट्रोल किया है, और उस कंट्रोल करने में हम नहीं चाहते कि ये पॉल्यूशन आगे बढ़े, और हम केवल दिल्ली के कारण से कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम खुद भी तो आखिर हम इंसान हैं, तो हमारा कारण भी तो है। क्या हम चाहेंगे कि दिल्ली बचे ना बचे, गुड़गांव भी तो बचे, आखिर फरीदाबाद भी तो बचे, सोनीपत भी तो बचाना है, करनाल भी बचाना है, भिवानी हिसार भी बचाना है, तो पॉल्यूशन तो सबके लिए हानिकारक है। इसलिए हमने इस विषय को केवल एनजीटी हमको कह रहा है कुछ इसलिए करना, ऐसा नहीं है, हमको अपने यानी सुरक्षित हरियाणा के लिए भी हमने ये सारे काम करने हैं। हमने पराली के ऊपर कंट्रोल कर लिया, पानी पराली जलाई नहीं जाती, अब सारी पराली को यूज़ करते हैं, उसका पैसा मिलता है। बल्कि हम तो यहाँ भी सोच रहे हैं पराली के ऊपर भी हम MSP घोषित करेंगे कि अब पराली किसी को जलाने की जरूरत नहीं है, जितनी इंडस्ट्री है वो इस रेट पर खरीदेगी, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा रेट पर खरीदी है ठीक है, कम रेट पर खरीदेगी तो सरकार उसमें मदद करेगी। आज भी हम 1,001 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार देती है, वो अपनी पराली इकट्ठी करें और बेच दें, बेचने के बाद 1,000 रुपया पर एकड़ ले लें। इंडस्ट्री को भी हम 500 रुपया पर बेल पर टन ये देते हैं, वो खरीदें 500 रुपये उनको देंगे। हम प्रमोट कर रहे हैं कि पराली जलाने की बजाय पराली का उपयोग किया जाए। तो ऐसे जितने भी काम हैं हम पोल्यूशन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जहाँ कहीं लोगों को लगता है कि अब हमको ज़्यादा लाभ उसका नहीं है, स्टेट ही ज़्यादा कर लेती है अपने आप, वो जिले बाहर होने के लिए बात कह रहे हैं, चाहे दो जिले बाहर हो गए हैं, वो दायरा तय किया कि 100 किलोमीटर राजघाट से जो एरिया आता है वही जिले इसमें रहेंगे, 100 किलोमीटर से बाहर वाले चाहे तो रहे, नहीं चाहे तो नहीं। विजेंद्र मेरे दो सवाल हैं। एक आपने बात की अभी स्वामित्व योजना की कि भाई ये पूरे देश में लागू करती है, आपने कुछ और चीज़ें भी ऑनलाइन, ऐसी कितनी योजनाएं हैं हरियाणा प्रदेश की जो आज दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन गई? और वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी प्रशंसा की है सार्वजनिक मंचों, तो क्या वो प्रशंसा वास्तव में दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन पाई है? तो ऐसी कितनी और योजनाएं हैं जो दूसरे प्रदेश आज आपसे मांग रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ठीक है, वैसे तो मैंने अपनी बातचीत में बताया, जैसे स्वामित्व योजना, इस योजना के लिए भी बहुत प्रदेशों ने, मतलब प्रधानमंत्री ने लागू ही कर दी हो कि हर एक को करना है। ऐसे हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है,
इस पॉलिसी का अध्ययन करने के लिए भी इवन गुजरात की सरकार, कर्नाटक की सरकार, इन सरकारों ने लोग भेजे कि आखिर हरियाणा की ऐसी कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा मेडल जो है हरियाणा लेकर के आता है। इसी प्रकार हमारे जो परिवार पहचान पत्र, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने सब प्रदेशों को कहा है इसका अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद आप भी यदि इसको लागू कर सकते हैं तो उसको लागू करिए। तो जो भी योजना अच्छी इस प्रकार की स्वामित्व वाली मैंने बताई है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये हमारी बहुत से प्रदेश जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लागू भी कर दिए उन्होंने। तो जितनी भी ऐसी नई पॉलिसी बना रहे हैं उन सब पॉलिसी के ऊपर, अच्छा हर एक पॉलिसी की जो जानकारी है वो केंद्र में मिल जाती है, तो इस नाते से उसका बार बार हमारी मीटिंग भी होती है। एक चीफ मिनिस्टर का ग्रुप बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर का एक परिषद है, तो चीफ मिनिस्टर परिषद की हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है, हर एक प्रदेश को उनका नया क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐसी जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर कौन सी चीज़ों नहीं दिखा सकते हैं। संयोग से अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट छपी है, तो फास्ट रिफॉर्मिंग स्टेट के नाते हरियाणा को पहला अवार्ड मिला। तो फास्ट परफॉर्मेंस में हम टोटल में तो अभी तीसरे चौथे नंबर पर हैं, लेकिन फास्ट परफॉर्मेंस के नाते हमारा जो रैंक 50, यानी हमारी जो रैंक तो छोटा होता है वो बड़ा मिलेगा, स्कोर 57 से 67 हो गया, और फर्स्ट आने वाला शायद 74-75 है। इस प्रकार का हमारा जो स्कोर है वो परफॉर्मेंस में रिफॉर्म खास करके काफी बढ़ रहा है, और आईटी का चल रही है। तो मेरा दूसरा सवाल इसीलिए था, एक ही पूछ लो जैन जी, बहुत सारे साथी हैं, इसके बाद पूछ लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट पूछ ले, आप बताइए, आप पूछिए, आप पूछिए। जैसे हम परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसमें तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं जो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक मोड पर है, लेकिन जो आयुष्मान भारत कार्ड की हम बात करते हैं उसमें लोगों को बहुत बार चक्कर काटने पड़ते हैं, हालात कई बार इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको सरकारी अस्पताल में आपात स्थिति में सेवाएं नहीं मिलती हैं, निजी अस्पताल में जाकर इलाज करना पड़ता है। पिछले दिनों केस सामने आया, मेरा जानकार था, उसको सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, उस दिन सैटरडे होने के नाते, संडे होने के नाते निजी अस्पताल में जाकर उस व्यक्ति को, जिसकी महीने की आमदनी, कोई ड्राइवर है प्राइवेट स्कूल बस चलाता 8-10 हज़ार रुपये उसकी आमदनी है, उसको प्राइवेट अस्पताल में आपात स्थिति में अपने आप को दाखिल करना पड़ा, 2.5 से 3 लाख रुपए। थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए प्लीज। ऑटोमेटिक मोड पर अगर आयुष्मान कार्ड योजना परिवार पहचान पत्र के साथ अपने आप हो जाए तो उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा है कि मैंने जो बताया है अभी तो उसको लागू करने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि वो सारा डाटा हमको जो सेंट्रल एक पोर्ट बना हुआ है आयुष्मान का, इसका पोर्टल जो बना हुआ है उस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो हमारे 1,80,000 से ऊपर नीचे तक के परिवार हैं, जो 23 लाख मैंने बताया, अभी 9.5 लाख परिवार इसमें चढ़े हैं, बाकी जो 14 लाख परिवार हैं ये अभी उसमें 13 और 14 लाख परिवारों का डाटा भी इसमें जाना है, चढ़ना है, और वो इस वीक में ही सारा काम चल रहा है। संयोग से जब आप पूछ रहे हैं तो वो इस वीक के अंदर सारा चल रहा है, मुझे लगता है कि और एक 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर उसमें 7 दिन इसमें ये भी चाहिए हमको कि एक बार डाटा चढ़ने के बाद सबको कार्ड दिया जाएगा, येलो कार्ड मिलता है, गोल्डन कार्ड जब तक उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक उनका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें तो कुछ समय के बाद 23 लाख परिवारों को हो जाएगा। हम तो बल्कि आगे भी सोचते हैं कि ये तो 1,80,000 के हमने परिवार किए हैं, एक योजना ऐसी भी बना रहे हैं कि उसका जो प्रीमियम है एक फैमिली के बदले में जो देना पड़ता है, हम वो प्रीमियम जो 1,80,000 से ऊपर के लोग हैं उन पर भी लागू कर देंगे, प्रीमियम जमा कराओ और आपको इसमें डाल देंगे, क्योंकि फ्री सेवा जो गरीब परिवार है उनको दी जा सकती है, सबको देना संभव नहीं होता, तो एक प्रकार से यूनिवर्सल भी इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा। हाँ, आज कोई ऐसा हॉस्पिटल मैं नहीं समझता कोई होगा कि जिसने एडमिट करने से मना किया होगा, अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है जरूर मैं एक्शन लूंगा, कोई सरकारी अस्पताल मना नहीं कर सकता। आप बता दीजिएगा, आप मुझे आप दे दीजिएगा, ठीक है जतिन प्लीज। कोई चुनौती नहीं है, आने भी नहीं देंगे जी। योजनाओं की बातचीत हुई, जो चैलेंजेस है, कई कड़वी दवाइयां भी थी, आपने कहा कि रोकना था, कई चीजों को रोकना था, प्रॉब्लम कहाँ आई, राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर, या फिर जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, एक अवेयरनेस भी बड़ा इशू है कि जो योजना है वो लोगों तक पहुंचे। आपको इन योजनाओं को लेकर जो क्रियान्वयन हुआ, पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तीनों स्तर से मैं पूछ रहा हूँ, राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी, या फिर जनता तक समझाना और जनता से इस चीज को अप्लाई कराना। देखिए शुरू शुरू में राजनीतिक तौर पर इसमें कठिनाइयां आई थी,
जब भी हम विषय रखते थे तो सब कहते थे कि इससे फिर हमारा क्या बनेगा, हमारे कहने पर काम नहीं होंगे, अपने आप हो जाएंगे, तो फिर लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। ये एक स्वाभाविक भी होता है, लोग सोचते हैं कि शायद हम जब काम कराएंगे तो लोग हमारे इधर आएंगे। मैं उनको एक ही बात कहता था कि हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उन सरकारों ने भी नौकरियां देने में अपने अपने इलाके में बहुत लोगों ने तो सीमाएं तोड़ी और जाके खुद कहते थे मंचों से कि मैंने इस इलाके में 500 नौकरियां दिलवाई हैं, मैंने इस इलाके में 800 नौकरी दिलवाई हैं, वो भी हारते देखे हमने। और उसका जब अध्ययन किया तो अध्ययन ये किया कि 500 लोग राजी हुए कि नहीं हुए, लेकिन 500 लोग के साथ जो और 1000-1200 जो आंखें लगाए बैठे थे कि हमको नौकरी मिलेगी, वो भी नाराज हो गए। इसलिए ये जो बंदरबांट थी इससे राजी नहीं होते, लोग नाराज ज्यादा होते हैं। हमने जो अपने लोगों को समझाया उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे लागू हो गया, लागू होने के बाद आज हमारे ही लोग कहते हैं कि ये सब बहुत बढ़िया है, इसलिए इसके ऊपर लगे रहना चाहिए, हमें इसका बहुत लाभ होता है, हमसे नाराज कोई नहीं होता। एक अच्छा योग्य व्यक्ति जब लगता है तो जिसकी मार्क्स कम है, टैलेंट में कमजोर है, वो भी कहता है भाई ठीक है छोरा तो पढ़ने वाला था, ये छोरा तो होशियार था, उसको संतोष हो जाता है कि हाँ मेरे से ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था तभी लगा। और आज एक विश्वास जमा है और उस विश्वास के कारण से हरियाणा में जितने कोचिंग सेंटर हैं खाली पड़े रहते थे सब भर गए हैं। लाइब्रेरीज में स्लॉटिंग होती है पढ़ने के लिए, हिसार के यूनिवर्सिटी रात के 2 बजे का स्लॉट भी लेने के लिए बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं कि मुझे रात को 2 से 3 का एक स्लॉट मिल जाए ताकि मैं 1 घंटा वहाँ बैठ के पढ़ सकूँ। प्राइवेट लाइब्रेरीज बहुत खुल गई हैं, तो बच्चों का एक बदल गया है थोड़ा सा उनका जो पढ़ने लिखने का जो क्रम है। एक मिनट रवि यादव सर, ऑनलाइन सर पानी पी लीजिए थोड़ा सा, एक लेडीज हाँ अब पीछे आते हैं, इसके बाद पूरे देश में अव्वल है, इसके बाद पीछे आएंगे। ज्यादा सेवाएं अटल सेवा केंद्र पे हमारी चल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में काफी सारी दिक्कतें आ रही है, जिस एजेंसी को हमने काम दिया है वो याशी घर बैठे कहीं ना कहीं याशी उसको लेकर सरकार क्या एक्शन ले। देखिए याशी ने कुछ कमियां छोड़ी थी, बाद में जब ध्यान आया तो याशी को ही दोबारा लगाया गया था, हमने सब कंप्लेंट्स मांगी थी, लगभग 3 लाख प्रॉपर्टीज की कंप्लेंट हमको मिली थी, उसको ठीक करने में लगे हैं। 75% मैं कह सकता हूँ ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें से 60-70 हज़ार बाकी हैं। उसमें 2-2 दिन के कैंप भी लगाए हैं, दोबारा से भी अब कैंप लगाएंगे अर्बन लोकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ताकि इन चीज़ों को ठीक कर सके, क्योंकि आज तक तो ये सिस्टम कभी लागू हुआ नहीं। अब उसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसी रह जाती हैं, कहीं प्लॉट का साइज छोटा बड़ा लिखा जाता है, कहीं उसमें नाम का अंतर आ जाता है, कहीं सीरियल नंबर उसमें एक डालना था वो डालना था वो गलत हो गया। आप जोड़ दीजिए सवाल। चल रहा है, ये चल रहा है, हमने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उनको ये काम दिया है, क्योंकि उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास सारा टेक्निक है, उनके सारे मैपिंग वगैरह सारी वो करनी पड़ती है, एक टेक्निकल काम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा का हरसेक वो इसके अंदर साथ में लगा है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम इसको मैं दिनों में कहूँ कि 3 दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा है। अभी भी हमारे PSCM जो है वो हर हफ्ते एक मीटिंग के साथ करते हैं, काफी काम हो चुका है, लेकिन आने वाले 4-6 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट इसके निकले। पीछे से आवाज आ रही है, कौन थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप। पंचायत चुनाव आदमपुर पंचायत, देखिए आदमपुर में बहुत अच्छे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और निश्चित रूप से जो वहाँ के कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र के चुनाव के नाते से वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, खास करके जो बाय इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन में मुकाबले थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भव्य बिश्नोई, क्योंकि वो सीट भी ऐसी है कि जहाँ उस परिवार के नाते कह लें या उस इलाके में जैसा भी समीकरण बने हुए, वो पहले भी 8 बार लगातार जीते हैं, इस बार भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी जो है वहाँ पहले 1 नवंबर को उन्होंने मेरा कार्यक्रम रखा है, एक अच्छी बड़ी रैली करेंगे, वही आखिरी दिन भी है प्रचार का, तो 1 नवंबर को मैं वहाँ जाऊँगा। और पंचायतों का, पंचायत का देखिए, पंचायत के चुनाव केवल जिला परिषद को छोड़ करके बाकी सब तो बिना सिंबल के ही सब जगह हैं। जिला परिषद के सब पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जिला के जो इकाइयाँ हैं उन पर छोड़ा हुआ है, कुछ जिले सिंबल पर लड़ रहे हैं, कुछ बिना सिंबल के जनरल लड़ रहे हैं, फिर भी अपने अपने पैनल बना करके सब लगे हैं, तो एक प्रकार का ये लोकल चुनाव होता है।
तो लोकल चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टी की भूमिका हुआ नहीं करती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अपने समीकरण लोकल बनते हैं, उस हिसाब से जीतेंगे। लेकिन ऐसी जो इकाइयाँ सामान्यतया उनको क्योंकि स्थानीय तौर पर छोटे छोटे काम सबने कराने होते हैं, पंचायतों ने बाकी सब ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सब लोग तालमेल बना के ही रखते हैं। इसमें कोई आज नई बात ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता है। वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को वो करवाते हैं, पंचायतें जो विकास के काम उनको कराते हैं। हमने ज़रूर इस बार अपने 8 साल में जो काम किया वो है कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स 8 साल में हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले एक सोचने का तरीका क्या होता था कि इन सबको हम अपने काबू में रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर रहें। हमने सब छोड़ दिया, हमने तो उनके बजट भी, उनका फाइनेंसिंग भी, उनको जो बजट बनते हैं उनको एक पावर दे दी इंडिपेंडेंटली कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे का आप जैसा उपयोग करना चाहे करो, केवल ऑडिट अपने हाथ में रखा है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो ऑडिट को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ और वहाँ के जितने काम हैं लोकल लेवल पर आपस में प्रस्ताव पास करके गलियाँ नालियाँ सड़कें जो उन्होंने बनवाना अपना करते रहें। बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं पंचायतों के हैं उसमें सरकार उसको रेशो के हिसाब से उनको फाइनेंस करेगी। इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन होता है ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का और पंचायती राज शासन का ये एक सिस्टम है। उनकी सरकारें अलग हैं, वो अपने पैसे को लेकर के अपने बजट बनाएं, अपने काम करें, हम उनको फाइनेंस जितनी जितनी आवश्यकता उतनी उतनी करें। लास्ट क्वेश्चन सिंह साहब। सर, पंजाब की तरह हरियाणा में नशा गैंगस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पंजाब ने गैंगस्टर नेट की काम बनाई है, क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, हमने भी यहाँ एंटी नार्कोटिक्स जो एक सेल बनाया है और बल्कि यूँ कहा जाए तो जो 8 प्रदेश ये नॉर्थ इंडिया के हैं इनमें इसके ऊपर सख्ती की जाए तो सबसे पहले मैंने एक बैठक बुलाई थी सभी मुख्यमंत्रियों की और उसमें एक हमने सेक्रेट बनाया है एंटी ड्रग सेक्रेट पंचकुला में। वहाँ हर एक स्टेट के एक दो दो आदमी बैठते हैं और डाटा एक्सचेंज करते हैं, कोई ऑपरेशन ज्वाइंटली करना तो ज्वाइंटली करते हैं, क्योंकि नशा और ये ड्रग्स जो होते हैं इनकी कोई सीमाएँ नहीं हैं, ये एक दूसरे प्रदेश में घुसती हैं। तो ऐसे एक प्रकार के जितने भी मैयर्स हैं वो सारे वहाँ उठाए जाते हैं, कितने लोगों को सख्ती से सप्लाई जो है रोकनी है और जो जो इसका उपयोग करने वाला है कंज्यूमर है उसके ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती, उसको तो समझाने की बात है या उसकी उसके इलाज की बात है या उसकी रिहैबिलिटेशन की बात है, वो हम सब करते हैं। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर लगे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी कमर को तोड़ना, इस पर एडमिशन सख्ती से काम कर रहा है। बहुत से एक्शन अभी किए गए हैं, चाहे ड्रग वालों के हैं चाहे वो गैंगस्टर्स के हैं, इनके खिलाफ इनकी नस को कैसे काबू किया जाए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली सब लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें सफलता भी मिल रही है, हताशा आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, आप सब से अनुरोध है कि प्लीज चाय पी के जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्योंकि सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और उसी 8 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा जनता के समक्ष रख रहे थे, मीडिया के सामने रख रहे थे। तमाम सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि इन 8 सालों में सरकार ने आखिर क्या क्या काम किया है। साथ ही विपक्ष पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना होता है तो विपक्ष आलोचना ही करेगा और विपक्ष वही कर रहा है। साथ ही उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सीएम विंडो से जो तमाम शिकायतें आई हैं उनका निपटारा किया गया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर वो बोले हैं और उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है कुछ जगहों को छोड़कर। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकल चुनाव होता है तो ऐसे में पार्टी का इंटरफेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको बिना ही सिंबल के लड़ा जा रहा है। उन्होंने साथ ही अपनी सरकार में किए गए कार्यकाल के उन तमाम विकास परियोजनाओं के बारे में भी बताया जो सरकार ने अपने 8 साल के भीतर किए हैं कि आखिर जनता के लिए किस तरह से कार्य किया गया, जनता के कल्याण के लिए किन किन योजनाओं को चलाया गया और उनका लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है। इन सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया, जो सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर किस तरह से इन योजनाओं को लेकर चीजें की जा रही हैं, जहां खामियां हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई है। लेकिन सबसे बड़ा निशाना उन्होंने विपक्ष पर साधा और कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है और वो आलोचना कर रही है।